स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम संगीत सुबह में, जिसमें हम पढ़ते हैं आपकी चिट्ठियाँ। कहते हैं चिट्ठियाँ रिश्ते बनाती थी, सम्मान दिलाती थी। चिट्ठियाँ थी तो मैं लोगों के सुख में दुख में शामिल था। अब न चिट्ठियाँ रही और न सम्मान। गुड मॉर्निंग दास बाबू। गुड मॉर्निंग तो ठीक है मिस्टर मुखर्जी, 8 महीने से गॉम्स द किलर की एडवांस बुकिंग चल रही है। कहाँ है किताब? कुमार कहाँ है? सर कुमार ना तो फोन उठा रहा है ना मेल का जवाब दे रहा है। कि तुम्हारा महाभारत लिखना अगर समाप्त हो गया है तो उसको मेरे पास भेज दो कुमार। घोड़े पे निबंध नहीं, उपन्यास लिख रहा हूँ। सुना है कि अपने फार्म हाउस चला गया है। वो सब हम कुछ नहीं जानता है। दो दिन के अंदर किसी भी तरह से खोज के उसको यहाँ पर लाओ। सर कुमार को खोजने का एक तरीका है। क्या? अच्छी किताब, दरिंदा और हसीना। तुम जानती हो ना, ये पूरा जंगल हमारे जंगली कुत्तों से भरा हुआ है। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न कोई जाने। रमन, राघव, बहुत दिन बाद गरम खून हाथ आया है, अब जश्न होगा। हत्या करने के 100 सबसे सुरक्षित तरीके। हमारी जिंदगी भी इसी अंगारे जैसी है, जब तक जल रही है तब चल। उठ जाएंगे तो राख हो जाएंगे। सीधे सिर पे गोली मार। अरे ना 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 ना, इसकी आंखें खराब हो जाएंगी। कभी हम दोनों का नाम साथ में लेकर देख, फट जाएगी। कहानी सुनाकर हत्या करना ये कुछ अटपटा नहीं लगता। अग्रवाल अपने तकिए के नीचे से अपना पिस्तौल निकालने के लिए हाथ बढ़ाता ही है, तभी पीछे से आवाज आती है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ मिस्टर कुमार। गोम्स, कहानी सुनाने वाला हत्यारा। सबसे भरोसेमंद आदमी था मेरा, अब ना आदमी रहा ना भरोसा। कभी जिक्रों में बात छिड़ेगी तो पाए जाएंगी कई उलझी कहानियां, कागज के कुछ सुखड़े मुड़े टुकड़े, अधबुझे रंगों की कुछ डायरियां, उनके वर्कों पे लिखे अधूरे अल्फाज और अधूरे उपन्यास।